नमस्कार, मनी नाइन झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। बढ़ती गर्मी और महंगाई के बीच अब आपके किचन के साथ साथ आपकी जेब का टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है। महंगाई की खौल में अब चिकन भी उबलने लगा है। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, आटा, दाल और चावल के बाद अब मुर्गा भी महंगा हो गया है। जी हाँ, ब्रॉयलर चिकन की कीमत में एक साल पहले की तुलना में 15 से 20 रुपए का उछाल आया है। कीमतें बढ़ने की मुख्य वजह चिकन फीड का महंगा होना है, जिसे पोल्ट्री फीड भी कहते हैं। यानी मुर्गा खाएगा महंगा तो बिकेगा भी महंगा। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक एक साल पहले पोल्ट्री फीड की कीमत 42,000 रुपये प्रति टन थी, जो अब बढ़कर 47,000 रुपये प्रति टन हो गई है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में चिकन मीट की मजबूत मांग से भी कीमतों पर असर पड़ा है। साथ ही उत्पादन की लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई है। पोल्ट्री फॉर्म में जहां मुर्गों को पाला जाता है, वहां एसी यानी एयर कंडीशनिंग और बिजली की ज़्यादा खपत, श्रम की बढ़ती लागत से भी गर्मियों के मौसम में ब्रॉयलर चिकन के उत्पादन का खर्च बढ़ जाता है। ब्रॉयलर चिकन के व्यापार से जुड़े लोगों के मुताबिक इस समय जिंदा ब्रॉयलर चिकन की थोक कीमत 138 रुपये से 140 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक साल पहले करीब 120 रुपये प्रति किलो थी। वहीं रिटेल ग्राहकों के लिए कीमत इस समय 240 रुपये से 250 रुपये प्रति किलो है। एक साल पहले यह कीमत 210 रुपये से 220 रुपये थी। एक किलो वजन के जिंदा चिकन से करीब 650 ग्राम मांस मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में 40 लाख टन से ज्यादा पोल्ट्री मीट की खपत की गई। वहीं एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपेडा के मुताबिक 2020-21 में भारत दुनिया में ब्रॉयलर चिकन का 18वां सबसे बड़ा उत्पादक देश था। देश में पोल्ट्री मीट के उत्पादन में महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको यह खबर पसंद आई होगी। काम की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।